आदरणीय कुलपति डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान जी, प्रोफेसर जयप्रकाश जायसवाल जी, विद्युत परिषद के सदस्यगण, पंतनगर परिवार के सदस्य, सभी छात्र और छात्राओं, मेरा आईडी नंबर 5690 है, 5690। आज आपसे जुड़कर धन्य अनुभव कर रहा हूं। मैंने 1971 बैच मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया, तब बीटेक 5 साल की होती थी, फिर एमटेक किया और 1982 के शुरू में डीआरडीओ ज्वाइन करने से पहले 3 साल मशीन ड्राइंग और काइनेमेटिक्स के कोर्स पंतनगर विश्वविद्यालय में पढ़ाए। मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ 33 वर्षों तक काम करने का मौका मिला। सन 2003 में आज ही के दिन 17 नवंबर 21वें दीक्षांत समारोह में जब डॉक्टर कलाम पधारे तो मैं हेलीकॉप्टर में उनके बराबर में बैठा था, तो लैंड करने से पहले जब मैंने पंतनगर विश्वविद्यालय का परिसर का अर्धवृत्ताकार विहंगम दृश्य देखा तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। तो कलाम साहब ने कहा कि सब ठीक है, तो मैंने उनसे कहा कि सर सब ठीक है, ये जो मैं नीचे देख रहा हूं इसे देखकर मुझे लग रहा है कि ये वो धरती है जिसने मुझे मनुष्य से मानव बनाया, इंसान से आदमी बनाया। विश्वविद्यालय मेरी दूसरी माँ के समान है, तो इसको देखकर मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं। डॉक्टर कलाम ने इस बात का जिक्र अपने दीक्षांत भाषण में किया और बाद में कई जगह उन्होंने बताया कि एक संस्था और उसके छात्रों का जो संबंध है उसका उदाहरण उस दिन उन्होंने अनुभव किया। कुछ स्वास्थ्य संबंधी कारणों से मैं आज आपके बीच में उपस्थित नहीं हूं, लेकिन ऑनलाइन ही सही मिलना हो पाया, तो इस अवसर पर मैं 3 बातें आपसे साझा करना चाहूंगा। पहली बात यह है कि नया भारत बन रहा है, आप उसके निर्माता हो, और नया भारत कैसा हो ये आपकी काबिलियत और आपके हौसले पर निर्भर करेगा। ये बड़ी जिम्मेदारी का वक्त है। नया भारत कैसा हो ये आपके काबिलियत और आपकी हौसले पर निर्भर करेगा। ना कभी किसी से डरना, ना किसी के सामने झुकना। अगर विश्व स्तर का बनना है तो विश्व विजयी बनना होगा। ये आज से आप गांठ बांध लीजिए कि नए भारत को विश्व गुरु बनाना आपकी जिम्मेदारी है, आपकी काबिलियत, आपका हौसला ही इसको संभव बना सकता है। पंतनगर विश्वविद्यालय संस्था पर लंबे समय का ग्रहण पड़ा, सूर्य ग्रहण पड़ते हैं, चंद्र ग्रहण पड़ते हैं, इसके ऊपर भी ग्रहण पड़ा, लेकिन वो सब अब खत्म हो गया। अब कुलपति जनरल गुरमीत सिंह, कुलाधिपति जनरल गुरमीत सिंह और कुलपति डॉक्टर चौहान के रूप में कृष्ण और अर्जुन दोनों आपके साथ हैं। अब आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस समय आज एक स्वप्न देखते हैं कि पंतनगर विश्वविद्यालय में एक मेडिकल कॉलेज हो, एक कॉलेज ऑफ फिनटेक हो और एक अर्थ साइंसेस का कॉलेज हो। ये एक संकल्प लेते हैं, स्वप्न देखते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अगले जो हमारा समारोह होगा 1 साल के बाद, तब तक इन तीनों संस्थाओं का काका तैयार हो चुका होगा, जमीन दे दी जा चुकी होगी, काम शुरू हो चुका होगा। तीसरी बात, डॉक्टर कलाम ने जीवन के 3 मूल आधार बताए हैं, कल्पनाशीलता यानी इमेजिनेशन, पवित्रता यानी कि मन और तन की शुद्धि, पॉयसनेस प्यूरिटी और ईश्वर में विश्वास। तो इन तीनों चीजों को
अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपनी सोच में, अपने आचरण में उतारे, किसी से डरे नहीं, किसी से भयभीत ना हो, कोई ऐसा काम ना करे जिससे आपके माता पिता, आपके शिक्षकों को शर्मिंदा होना पड़े। बस ये छोटी सी बात है, नए भारत का निर्माण करें। जितने आप ताकतवर होंगे उतना ही नया भारत ताकतवर होगा। अपने विश्वविद्यालय के गान की दो पंक्तियां याद करके मैं अपने इस उद्बोधन को समाप्त करता हूं। अपना प्रण है ग्राम अभ्युदय, देश प्रगति विद्यान विभाग है। अपना प्रण है ग्राम अभ्युदय, रूरल डेवलपमेंट यहां से होना है, देश प्रगति विज्ञान विभाग है। देश की उन्नति होनी है, विज्ञान का एडवांसमेंट होना है। सत्यशील स्वाध्याय साधना से समृद्ध भारत निर्भय हो। जय हो नवयुग निधि की जय हो। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। आपने एक महान विभूति के साथ में कार्य किया। आपका हम ये मानते हैं कि इस समय APJ अब्दुल कलाम के रूप में आपने अपने आशीर्वाद हमें दिए, और मैं ये मानता हूँ कि आगे 3 साल मेरे कार्यकाल में मेरी ओर से पूरी कोशिश होगी कि मैं आपके जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको पूरा करूं। अगर इसी ढंग से आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा तो जरूर ये कार्य जो आपने हमसे उम्मीदें की हैं, हमारे पूरे वैज्ञानिकों से, पूरे फैकल्टी और स्टूडेंट से, हम उसमें कामयाब होंगे। आपको हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए मेरी ओर से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर।